हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को जय श्री राम। आप सभी लोगों का क्रिकेट टॉक विद मिश्रा जी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा और इंडियन बॉलिंग अटैक के बारे में क्या बोला उन्होंने, क्या कहा है उन्होंने। और उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी मेरा नया चैनल है और मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने का मतलब कि आइडिया नहीं है और मुझे उतना पता नहीं है। सो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और आप जैसे ही लोग में से मैं एक हूँ और प्लीज़ सपोर्ट मी। और प्लीज़ आई मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी कहता हूँ, बस बोल देता हूँ, मतलब कि कुछ सोच के नहीं बोलता हूँ। या तो यानी कि ये बोलना है, ये बोलना है, जो भी दिन में होता बोल देता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। सो वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट पे बताइए। प्लीज़ आप सभी लोगों को सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ सपोर्ट मी। सो चलते हैं वीडियो पर आगे बात में। तो आप लोग बता दो, मेरा नाम सतीश मिश्रा है और मैं यूपी से ही हूँ, अयोध्या से। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो जो सचिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा है रोहित शर्मा के बारे में, जो रोहित शर्मा जो पुल शॉट मार के दो इस सीरीज में दो बार आउट भी हुए हैं और एक बार सिक्स भी मारा है और चौके भी मारा इसी सीरीज में। बात करूँ जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है सीरीज, उसमें काफ़ी अच्छा एक बहुत लंबा सिक्स भी मारा था उन्होंने पुल करके। सो उन्होंने बेसिकली जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जो उनके फेवरेट शॉट है पुल शॉट, उसे मतलब उनको रोकना नहीं चाहिए और मतलब कि खेलते रहना चाहिए। और 100 में से 90 टाइम मतलब कि वो 90 बार करीब हो और उसमें सक्सेस होंगे मारने में, और 10 बार दिया कोई भी आउट जाता है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। और ऐसा नहीं कि जो हमारा फेवरेट स्पॉट उसको हम मतलब कि बंद कर देंगे। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि भाई सिचुएशन अगर दूसरी तरह है, कंडीशन दूसरी तरह है तो हम रोक सकते हैं, लेकिन उनको अपना शॉट रोकना नहीं चाहिए। सचिन तेंदुलकर सर ने जो बोला है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है जो उनको बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बॉलिंग पे क्या बोला कि जो भारत की इसमें करंट बॉलिंग यूनिट है, बॉलिंग यूनिट है, वो इसमें वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। और उन्होंने बोला कि मतलब कि इसमें जैसे इसमें टॉप की टीम जो है इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जो टेस्ट की टॉप टीम बता रहा हूँ। उसके बाद सब पाँच नंबर पे आते हैं। देखिए, जो टॉप फोर टीम है पूरे वर्ल्ड की, मतलब कि टेस्ट अच्छी टीमें जो है, उसमें से जो भारत की बॉलिंग अटैक सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। और उन्होंने लॉर्ड्स में शो भी किया, लॉर्ड्स नॉटिंघम भी शो किया, लॉर्ड्स में भी शो किया उन्होंने। तो उन्होंने जो यही बोला है मतलब कि बॉलिंग अटैक के बारे में कि इसमें दुनिया करंट एरा की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है भारत के पास। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए जो बॉलिंग अटैक खेल रही है, उसके बाद देखिए बेंच पे देखो अश्विन बैठे हुए हैं, उमेश यादव बहुत अच्छी बॉलिंग करता है वो भी बैठा हुआ है, इसके बाद साधु ठाकुर भी इंजर्ड हुआ है, उसके बाद भी जो ले गए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ले गए हैं जो नेट बॉलिंग के लिए, एक और बॉलर का नाम सर मैं भूल गया हूँ, तो भी है और भी मतलब कि एक दो बॉलर बहुत अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे अच्छे बॉलर, तेज बॉलर जो मतलब कि 40 प्लस की स्पीड से कर सकते हैं। बुमराह करीब 145 के प्लस स्पीड से बॉलिंग करता है और समी भी 140 से, ईशान भी मतलब कि अब तो मतलब कि एज हो गई, 100 टेस्ट भी खेल चुके हैं, उसके बाद भी 140 टेस्ट करते हैं करीब करीब। और सिराज मतलब कि तेज है, मतलब कि उसकी बात अलग है। सो ये जो उन्होंने बोला मतलब कि सचिन प्रेस किया है मतलब कि अपने बॉलिंग अटैक को और रोहित शर्मा के बारे में जो कहा है वही आप सबको मैं शेयर किया हूँ। सो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोग को और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप सभी लोग जय श्री राम। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने समाज का ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए, खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करिए, परिवार को मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ जय श्री राम, सभी लोग जय श्री राम, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।